उसमें कौन सी थी? स्ट्रिंग में ट्रांसवर्सल। ओके, अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी स्टेशनरी वेव बनती है, इसको हम एयर कॉलम में स्टडी करेंगे। एयर कॉलम में दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। किस तरह की? दो तरह की। रिफ्लेक्शन, हमको एक वेव जाने वाली चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की दूसरी वेव आने वाली चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी की दूसरी वेव नहीं बन सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी वेव को कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, क्योंकि एक ही सोर्स ने बनाई है। इसीलिए भी रिफ्लेक्शन करके ही स्टेशनरी वेव बनाई जाती है। अच्छा, अब जब हम रिफ्लेक्ट कराते हैं तो हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के दो मेथड हो सकते हैं। अगर सामने का मीडियम भारी है तो फेस चेंज होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर सामने का मीडियम हल्का है तो भी मोस्टली ट्रांसमिशन हो जाएगा, पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वापस होगा, लेकिन उस समय फेस चेंज नहीं होगा। ओके, ये दोनों चीजें हमारे नॉलेज में है। इन्हीं के बेसिस पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ एयर कॉलम्स हैं, वो हमने दो टाइप के बनाए। पहले टाइप के जो पाइप्स रहते हैं जिनमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे क्लोज्ड पाइप्स, क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट वन एंड। दूसरे तरह के पाइप हम लेंगे, द पाइप्स विच आर ओपन एट बोथ द एंड्स। तो ये दोनों ऑर्गन पाइप कहलाते हैं, ऑर्गन पाइप जिसे बजाया जाता है। ऑर्गन पाइप का एग्जांपल, क्लोज्ड एट वन एंड बोथ और ओपन एट बोथ द एंड्स, ये अगर हम बांसुरी बजाते हैं, इधर से एयर भेजते हैं और इधर से एयर निकलती है, ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड है। कितने एंड ओपन है, कितने एंड क्लोज है? एक एंड ओपन है और एक क्लोज है। दिस इज एग्जांपल ऑफ वन, हाँ, वन एंड क्लोज एंड वन एंड ओपन। दूसरा देखिए, ये बांसुरी है, इस बांसुरी को आप नहीं बजाते हैं, इसको कृष्ण भगवान बजाते हैं। ओके, ये यहां से इसमें एयर देते हैं साइड से, देखा है ना, और ये इधर से भी ओपन है, ये इधर से भी ओपन है, ये कैसा पाइप है? ओपन है। इस तरह से पाइप ओपन एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स बनाया जा सकता है। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि ये हमने बांसुरी ली और यहां पर ओपनिंग रख दी और यहां से हमने इसको एयर देने का प्रोविजन रखा और यहां से एयर देते हैं, ये भी एक ओपन एंड है, ये भी एक ओपन एंड है। दिस इज ओपन एंड बोथ द एंड्स, कर सकते हैं ऐसे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ओपन एंड सो मेनी एंड्स कर सकते हैं। क्यों करेंगे? तो अब सुनिए, हमको मालूम है जब भी मीडियम चेंज होगा तो वेव रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, बॉर्डर आएगा, इंटरफेस आएगा, इंटरफेस से वेव रिफ्लेक्ट होती है। अब यहां पर कौन सा मीडियम है, यहां पर कौन सा मीडियम है, तो यहां से यहां जो एयर जाएगी, जो एनर्जी वेव्स जाएंगी, साउंड वेव्स जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ, यही डाउट सबको होता है कि नहीं होगी, पर होती है, नेचर में हमने देखा होती है, और हमने उसका एक्सप्लेनेशन बनाया। एक्सप्लेनेशन ये बनाया कि ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम दोनों डिफरेंट है। क्यों? यहां आप खड़े होके अंगड़ाई लीजिए, ले सकते हो, यहां खड़े होके ले सकते, नहीं ले सकते, मीडियम अलग है। ओके, इसका मतलब है कि यहां वाले जो ऑसिलेशंस हैं उसकी एक लिमिटेशन, उससे ज्यादा वो ऑसिलेट नहीं हो सकते, एंड वी टर्म इट एज ए बाउंड मीडियम। इसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड। और इसको क्या बोलेंगे? फ्री। यहां पर अगर एक ऑसिलेशन
ऐसा 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होना चाहे परमिटेड है, यहां पर होना चाहे परमिटेड नहीं। अगर ये बांसुरी सिर्फ एक 1 सेंटीमीटर डायमीटर की है तो 1 से ज्यादा वो नहीं हो सकते। सो ये मीडियम और ये मीडियम दोनों कैसे डिफरेंट। अब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो आप ये भी बता सकते हो कि इसमें रिजिड किसको मानेंगे और फ्री किसको मानेंगे, रेरर किसको मानेंगे। वेरी गुड। बाउंड जो है वो किसको कंपेयर कर सकते हैं, रिजिड, और रेरर से किसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिए पाइप के एक ही मटेरियल होने के बावजूद जो उसके मीडियम है उसको हम दो टाइप के मान सकते हैं, एक बाउंड और एक फ्री। अब बाउंड मीडियम से वेव ऐसे जा रही है, सामने क्या पड़ गया, फ्री मीडियम, देयर इज ए इंटरफेस बिटवीन द टू। और इंटरफेस के डायग्राम आपने देखे, चित्र देखे हैं, इंटरफेस में क्या होगा कि यहां से ऐसा वाइब्रेशन चल रहा है, ये यहां से वेव ऐसे चल रही है, ये यहां पर फ्री आ गया, अगर फ्री आ गया तो ये ऐसे चलनी शुरू हो गई, लेकिन एक बहुत छोटी सी वेव यहां से ऐसी चलनी भी शुरू हुई, वापिस भी आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरफेस की क्वालिटी है, इंटरफेस का फिनोमेना है कि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा होगा और हमने ये पढ़ा है कि ये रिफ्लेक्शन में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये उसका फेस बदल दे, उसी फेस से वापस आएगा, ये हम लोग पिछले लेसन में कर चुके, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर यहां रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो वेव वापस आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आंसर है जितनी जाने वाली वेव की थी। क्यों? क्योंकि दोनों का सोर्स तो एक ही है, वही रिफ्लेक्ट हुई है। अब हमारी यहां पर इस जगह पर देखिए हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, एक जाने वाली वेव है, एक आने वाली वेव है, एक ही मीडियम में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान है। ये किसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, स्टेशनरी वेव की, तो यहां स्टेशनरी वेव बनेगी। अब अगर यहां स्टेशनरी वेव बनेगी तो नोड्स बनेंगे और एंटी नोड्स बनेंगे। अब आप बताएंगे कि अगर यहां नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे तो यहां कौन बनेगा और यहां कौन बनेगा, कौन रिजिड होता है नोड और कौन किसको हिलने की जगह चाहिए। अब बताइए, हाँ, ए पे क्या बनेगा नोड और बी पे क्या बनेगा, बी पे नोड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं, उसमें हिलने की कैपेसिटी है, तो जो पार्टिकल हिल सकता है वो हमेशा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली एंटी नोड बन जाएगा। उसको क्या जरूरत है ज्यादा प्रेशर सहने की, थोड़ा सा प्रेशर आता है वो अपना ऑसिलेट कर लेता है, इसलिए वो हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड। तो अब आप याद रखेंगे स्ट्रिंग हो या एयर कॉलम हो, जिस पॉइंट को हम बाइंड करते हैं वो बाइंड किया हुआ पॉइंट, पकड़ा हुआ पॉइंट हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, और जो फ्री है ओपन एंड है, ओपन एंड हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। अब ये वाले में ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो यहां पर नोड कहां बनेगा, वेरी गुड, नोड कहां बनेगा, बीच में बनेगा, क्योंकि इसको भी एंटी नोड बनना है और इसको भी एंटी नोड बनना है, तो नोड ऑटोमेटिकली बीच में बनेगा। इस तरह से ये वाइब्रेशंस के हमने डिसाइड किए कि नोड्स कहां बनेंगे, एंटी नोड्स कहां बनेंगे। उसके बाद तो वही वाली एक्सरसाइज है, फिर से लैम्डा और लेंथ, इनका आपस में रिलेशन। तो पहले हम लेते हैं वाइब्रेशंस इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये पाइप है, इसकी लेंथ है L,
के अंदर ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, या ये कहना चाहिए ऑसिलेशन तो इसमें होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बिकॉज दे आर एयर कॉलम्स एंड द वेव्स आर साउंड वेव्स. तो यहां पर वाइब्रेशंस परमिटेड नहीं है, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, नोड. ये क्लोज्ड एंड है, ये ओपन एंड है, तो ओपन एंड में हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड. ओके, ये क्या इंडिकेट करता है, वेव. यहां से हमने एक वेव भेजी, वो वेव यहां से रिफ्लेक्ट हुई. जब वो वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उस समय दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही जैसे है, आने वाली जाने वाली, और दोनों आपस में सुपरपोजिशन करती हैं, स्टेशनरी वेव बनती है, तो उसमें नोड और एंटी नोड दोनों बनते हैं. तो जो क्लोज एंड है वहां पर नोड बनेगा, और जो ओपन एंड है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा. सो जब ऐसा होने लगता है तो हमको कैसे पता लगेगा कि ऐसा हो गया, तो इसका आंसर है, जब भी स्टेशनरी वेव बनती है तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है, ट्वाइस. इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, फोर टाइम्स. तो यहां की जो एयर है इससे जो नेबरिंग यहां के पार्टिकल हैं उनके वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे, टू टाइम. एनर्जी कैसी हो जाएगी, फोर टाइम्स. तो हमको अचानक चार गुना ऊंची आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, तो हमको क्या समझ में आ जाएगा कि नोड एंटी नोड बन गए, यानी स्टेशनरी वेव बन गए. इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस. रेजोनेंस रेजोनेंस हमने पढ़ा है. रेजोनेंस में एक ऑसिलेशन नेचुरल होना चाहिए और दूसरा फोर्स होना चाहिए, कहां है. तो आंसर है, एक एयर जो हमने बांसुरी में फूकी उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और एक जो रिफ्लेक्ट होके आई वो क्या है, फोर्स फ्रीक्वेंसी. या वाइस वर्सा मान लीजिए, जो वापस आ रही है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है और हम जो फूंक रहे हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है. और अगर फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो क्या हो गया, रेजोनेंस. रेजोनेंस में ऑसिलेशन बढ़ गए, टू टाइम्स हो गए, तो ये रेजोनेंस हो गया. स्टेशनरी वेव के चैप्टर में हम समझ गए कि क्या बन चुका है, स्टेशनरी वेव बन चुकी है, क्योंकि स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है, डबल. अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है तो इंटेंसिटी फोर टाइम्स, एनर्जी फोर टाइम्स, एंड वी लिसन द साउंड फोर टाइम्स, उतनी ज्यादा एनर्जी हमको सुनाई पड़ती है. ओके, तो ये हमको लाउड साउंड जैसे ही फर्स्ट टाइम लाउड साउंड सुनाई पड़ता है, दिस वी कॉल फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक. उस समय ये सिचुएशन होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी कैन ड्रॉ, कि कम से कम इस कंडीशन में, मिनिमम फ्रीक्वेंसी में, इस कंडीशन में ही रेजोनेंस हो सकता है, इसी कंडीशन में ही स्टेशनरी वेव बन सकती है. इससे छोटे कंडीशन में रेजोनेंस नहीं होगा, स्टेशनरी वेव नहीं बना सकते. अब अगर इसमें बनता है तो इसमें अब आप फिर से वही चीज सॉल्व करेंगे, लैम्डा. दिस इज वन लैम्डा यहां से यहां तक, तो बताइए ये कितना हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा है, ये बस. हाँ, लेंथ कितनी हुई, लैम्डा बाय फोर. तो जैसे ही ये लेंथ लैम्डा बाय फोर के बराबर पहुंचती है, हमको एक लाउड साउंड सुनाई पड़ता है. ये पहला टाइम होता है जब इसमें रेजोनेंस होने लगता है, नोड और एंटी नोड बन जाते हैं. तो लैम्डा बाय फोर किसके बराबर हो गया, लेंथ. यहां से यहां तक लेंथ लैम्डा बाय फोर, देयरफोर लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल, देयरफोर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, तो वी अपॉन फोर एल.
ये आ गई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और पाइप क्लोज्ड है वन एंड, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दैट इज क्लोज्ड वन एंड, एक एंड तो ओपन रहेगा ही रहेगा, ये दूसरे एंड, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V अपॉन 4L, याद रखना। इसके बाद दूसरे तरह का वाइब्रेशन देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो साउंड फिर से स्लो हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है कि फिर से हमको लॉन्ग साउंड सुनाई पड़ता है। ये कैसे होता है कि फिर से लॉन्ग साउंड सुनाई पड़ेगा, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके लिए हमने फिर दूसरा ड्रॉ किया, सोचा कि वो जरूर इस तरह से वेव्स बनती होगी, सेम पाइप है एल, इसमें ये इसका ओपन एंड है, ओपन एंड में क्या बनना जरूरी है, एम्प्टी लूप, और क्लोज एंड में क्या बनना जरूरी है, तो यहां नोड बनाइए, यहां एंटी नोड बनाइए, आप देखेंगे यहां आपको एक नोड और बनाना पड़ता है तभी ये हो सकता है। ये फिर से रेजोनेंस हुआ और फिर से स्टेशनरी वेव बन गई, और फिर से हमको एक लाउड साउंड सुनाई पड़ता है। अब जो ये वाला लाउड साउंड सुनाई पड़ता है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, क्यों, इसकी लैम्डा अलग है। बताइए अब यहां का जो लेंथ है कितने लैम्डा के बराबर है, लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज हाफ लैम्डा एंड दिस इज 1/4, दोनों मिला के कितना हो गया 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा इज इक्वल टू एल, सो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच 4/3, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमने रखी 4L इंटू 3। दिस वॉज फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड, दिस इज 3 times फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या बेसिक हार्मोनिक्स, अच्छा उसके बाद फिर से हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू की, थोड़ी देर बाद इसका लाउड साउंड खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद फिर से लाउड साउंड आना शुरू हो गया, और उस समय फिर से नोड एंटी नोड बन चुके हैं और स्टेशनरी वेव बनी है, रेजोनेंस हो रहा है, और उस समय यहां पर नोड बनना जरूरी है, यहां एंटी नोड बनना जरूरी है, तो ये हमको मिला इस तरह से, यहां पर हम देखते हैं दो नोड थे और ये एंटी नोड था, यहां पर नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड और एंटी नोड इस तरह से बनते हैं। अब ये वाली फिर से हमको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, अब
आप डिसाइड करेंगे लेंथ कितने लैम्डा के बराबर है, 5/4 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 upon 5 L. So new 3 is equal to 5/4 V upon L. And this is equal to fifth of the fundamental harmonic or the first harmonic, 5 times. फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फिर से टू थ्री, 1, 2, 3 ये हमको कितनी फ्रीक्वेंसी मिलती है, 1 ये 1 है और ये 3 है और ये 5 है, 1, 3 इसमें आप देख रहे हैं कुछ चीजें कुछ फ्रीक्वेंसी गायब है, कौन सी, सेकंड हार्मोनिक गायब है और फोर्थ हार्मोनिक गायब है, उसी तरह से 6, 8 इवन हार्मोनिक्स नहीं सुनाई पड़ते, कौन से सुनाई पड़ते हैं, ऑड हार्मोनिक्स। और हार्मोनिक ही बनते हैं, अच्छा अब इसका फॉर्मूला बताइए, एन वाला फॉर्मूला, एक चीज सबसे कॉमन है ये, तो इसको तो लिख देते हैं वी अपॉन 4 है। अब यहां पर क्या लिखना चाहिए, अगर n लिखेंगे तो 1, 2, 3 आएगा, हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1, 3, 5, 7 बोलिए क्या लिखा जाए, 2n नहीं, n को 1 से स्टार्ट करने वैल्यू रखना, तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अब आप इसको 1 रखिए तो पहला क्या आ जाएगा, 1, 2 रखिए तो फिर क्या आ जाएगा, 3। ये फॉर्मूला आपको रखा होना चाहिए, ये किसका फॉर्मूला है, क्लोज्ड पाइप। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा क्लोज्ड पाइप का फिफ्थ हार्मोनिक उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए तो कितनी होगी, यस समझ में आया, सो दिस इज 9 वी अपॉन एल। ये हो गया क्लोज्ड, अच्छा अब हम लेते हैं इसके बाद ओपन पाइप। सो वाइब्रेशन से ओपन पाइप, ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दिस इज ए ऑर्गन पाइप, इट इज ओपन एट बोथ एंड्स, इसके अंदर हमने वाइब्रेशंस किए एयर में, कहीं से ओपनिंग बनाई, ओपनिंग बना के एयर में वाइब्रेशंस किए और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए। सबसे पहली बार बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है कि इसके अंदर नोड एंटी नोड बन जाते हैं और हमको एक लाउड साउंड सुनाई पड़ता है, विच इज ए इंडिकेशन कि इसके अंदर स्टेशनरी वेव बन रही है और एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, इंटेंसिटी 4 times सुनाई पड़ती है, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। ओके, वो जब इसके अंदर होने लगता है तो इसके अंदर के वाइब्रेशंस किस तरह के होंगे, जाने वाली वेव आने वाली वेव नोड्स और एंटी नोड्स कैसे बन रहे होंगे, तो आंसर है उसका ग्राफ हमको ऐसा दिखेगा,
दिस वे एंड दिस वे, और ये चूंकि ओपन है इसीलिए ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा, एंट्री नोड, एंट्री नोड, और इसलिए नोड दो एंट्री नोड के बीच में नोड बनना चाहिए, तो ये नोड बनेगा। ये पाइप की लेंथ एल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एल को रिलेट करते हैं लैम्डा के साथ, तो एल कितने लैम्डा के बराबर है बताइए। ये है एक क्रेस्ट और ये है एक ट्रफ, या ये है एक कंप्रेशन और ये है रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन टू रियर फ्रैक्शन हाफ लैम्डा होता है, सो दिस एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू टू एल, देयरफॉर frequency is equal to v upon lambda and this is v upon 2l. This is first harmonic. Okay, then उसके बाद फिर से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू करते हैं, तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद हमको फिर से इसमें लाउड साउंड सुनाई पड़ता है, उस समय फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि कैसे एंटी नोड और नोड इसके बाद भी बन सकते हैं, इससे छोटी लैम्डा के इससे हाई फ्रीक्वेंसी के नोड एंटी नोड कैसे बन सकते हैं, तो इसका डायग्राम हमको इस तरह से समझ में आता है। हमारे लिए कंपलसरी क्या है, हमारे लिए कंपलसरी है कि ओपन एंड पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एंटी नोड, नोड नहीं बना सकते, इसलिए ये दोनों तरफ क्या बन गए, एंटी नोड, तो ये दो नोड और ये वेवलेंथ छोटी हो गई, नोड नोड, पाइप तो वही है जिसकी लेंथ एल है, तो इस लेंथ में अब कितने लैम्डा समा गए, क्रेस्ट या कंप्रेशन से शुरू हुआ फिर कंप्रेशन आ गया, सो दैट इज इक्वल टू वन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू एल, न्यू टू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, इस फॉर्मूले से ये बन गया वी अपॉन एल, और वी अपॉन एल वी अपॉन टू एल का कैसा होता है, डबल ट्वाइस ऑफ न्यू वन, ये कैसा है सेकेंड हार्मोनिक। उसके बाद इसी तरह से फिर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते चले गए, तो अगली फ्रीक्वेंसी पे जब रेजोनेंस मिलता है फिर से नोड एंटी नोड बनते हैं, तो उसकी ड्राइंग हम सोचते हैं, देन वी फाइंड देयर शुड बी वन नोड एक्स्ट्रा, ये दो थे और अब इसमें तीन आ गए, नोड नोड एंटी नोड, ये हो गया वन एंड दिस इज हाफ, वन एंड हाफ, थ्री बाय टू, थ्री अपॉन टू लैम्डा, दिस इज वन दिस इज हाफ, क्रेस्ट टू ट्रफ और कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन, so l is equal to 3 by 2 lambda, so lambda is equal to 2 upon 3l, mu 3 is equal to v upon lambda, this is v upon lambda, lambda is 2 upon 3l, 2l upon 3, so this is 3 times mu 1. This is third harmonic. अब first में यहां one लगा हुआ है, second में two लगा हुआ है, third में three लगा हुआ है, और common क्या है हर एक में, v upon two है,
तो बताइए एनएन कार्बोनेट ओपन पाइप का एनएन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या बना, वी अपॉन टू एल रहेगा और यहां पे सिंपल क्या रहेगा एन, फर्स्ट कार्बोनिक है तो वन, सेकंड है तो टू, थर्ड है तो थ्री। ये दोनों फॉर्मूले आपको पक्के याद होने चाहिए और इसी के बेसिस पर ही आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेंथ ऑफ दी एयर कॉलम, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं स्कूल एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। कौन सा पाइप है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लोज एट वन एंड, उसमें वी अपॉन फोर एंड, ऊपर में कौन आएगा वन थ्री फाइव सेवन, ओपन एंड बोथ एंड में वी अपॉन टू एंड, ऊपर में कौन आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ऑल नंबर, ठीक है। और स्ट्रिंग में क्या था, वी अपॉन टू एंड, वन टू थ्री फोर फाइव ऑल, जैसा कि ओपन एंड का है। अब इसमें देखिए हमारे पास दो तरह की बांसुरी है, एक एक तरफ से क्लोज है और एक दोनों तरफ से ओपन है। दोनों में हम बजाते हैं, एक में बांसुरी की आवाज मीठी आती है और एक में इतनी अच्छी नहीं आती है, तो किसकी आवाज ज्यादा स्वीट होती है, तो आंसर है ओपन एट बोथ एंड्स की ज्यादा स्वीट होती है। क्यों, इसका रीजन क्या है, मान लीजिए जो क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट वन एंड है उसमें आपको पहली फ्रीक्वेंसी मिलती है 150, तो दूसरी कितनी मिलेगी, तीसरी, चौथी 900, इतना इतना गैप है, ओके। ओपन एंड वाला जो हमने पाइप लिया उसमें पहली फ्रीक्वेंसी हमको मान लो मिली 150, तो दूसरी कितनी मिलेगी, टू, तीसरी कितनी, थ्री, दूसरी कितनी मिली, तीसरी, चौथी, से 900 फ्रीक्वेंसीज को हम बजाना चाहते हैं। बंद वाली बांसुरी में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, फोर, या तो ये बजा लीजिए या ये बस, और 150 और 450 की आवाज बहुत मोटी और पतली होती है, अलग अलग, बीच में कोई आवाज अवेलेबल नहीं है। इस बांसुरी में अवेलेबल है 150 टू 900, आपके पास छह ऑप्शन है और इसमें कितने हैं, फोर, तो यहां पर जब आप बजाते हैं तो छह ऑप्शन यूज करते हैं, यहां कितने ऑप्शन यूज करते हैं, फोर, तो किसकी आवाज ज्यादा मीठी होगी, जिसमें ज्यादा ऑप्शन यूज कर सकते, समझ में आया, देयरफॉर दिस हैज द स्वीट वॉइस। ये चीज नोट करिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। While the organ pipe open at both ends has sweeter sound, has sweeter sound. Answer note करिए. In the organ pipe closed at one end, the frequencies available are only odd multiples of the fundamental frequency, while in open pipe
The frequencies available are, the frequencies available are all multiples, all को underline करना है, all multiples of fundamental frequency, all multiples of fundamental frequencies. So these are the vibrations in strings, vibrations in chords. कुछ एक दो चीजें और हैं, वाइब्रेशंस इन रॉड्स, ये थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए नोट कर लीजिए. वाइब्रेशन इन रॉड्स, रॉड्स में हम ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह से वाइब्रेशंस कर सकते हैं. ये एक रॉड है, इस रॉड में जब हम ऊपर से हिट करेंगे, यहां दोनों तरफ से बांध देंगे, ऊपर से हिट करेंगे, वाइब्रेशन कैसे होंगे? ट्रांसवर्सल के लॉन्गिट्यूडनल. फिर से यहां हमने इसको बांध दिया और यहां ऐसे हिट किया, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होंगे और वेव ऐसी चली, तो ये क्या हुए? ट्रांसवर्सल. फिर से ये एक रॉड लिया, उस रॉड को ऐसे कान में लगाया और यहां ऐसे ठक ठक किया, आवाज कान में आई, इसके अंदर से वेव गई. कौन से मेथड से? ट्रांसवर्सल की लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मीडियम के अंदर जो जाती है वो लॉन्गिट्यूड. अच्छा, वेव ने जाना इधर है और हमने कट कट भी ऐसे किया, ये वाइब्रेशन है ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन भी यही है, तो कैसा हुआ? लॉन्गिट्यूडनल. और जब हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? अब हम लोग एक चीज यूज करते हैं, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क इस तरह का एक रॉड है, इस रॉड को हमने यू बना दिया ऐसे, यहां पर इसका हैंडल, और इसको हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं. जब ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो बताइए इसमें कौन सी वेव आएगी? ट्रांसवर्सल की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्सल, क्योंकि मेटल ऐसा है और हिट ऐसा कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल. तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा. जब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा तो अगर उसमें वाइब्रेशन जाएंगे तो वापिस भी आएंगे, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? स्टेशनरी वेव. अगर स्टेशनरी वेव बनेगी तो नोट भी बनेंगे और एंटी नोट भी बनेंगे, ये सब कहां? तो आंसर है कि इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसके दो नोट्स होते हैं, या ऐसे, और ये इस तरह से वाइब्रेट करता है ऐसे, और एक बार ऐसे लाइन में और दूसरी बार ऐसी लाइन. दिस इज वाइब्रेशन ऑफ दिस ट्यूनिंग.